हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन एंड विवेक। सो गाइस, आज फाइनली बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स की एक डिमांड थी कि मीटियोर की हेडलाइट का कुछ करिए। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें गाड़ी में आगे लगा होता है हैलोजन बल्ब, और ये पूरा पोर्शन जो है, जितनी बार आप गाड़ी चलाते हैं तो ये बहुत गर्म हो जाता है। इनफैक्ट मैं अभी भी लाया हूँ तो अच्छा खासा गर्म हो गया है ये। सो गाइज, क्या कर सकते हैं इसके लिए? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जो कि आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं हो, आपका काम भी हो जाए और ये हेडलाइट भी हो जाए। तो आज के वीडियो में करेंगे इसी के ऊपर एक बात। बट वीडियो शुरू करने से पहले, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, इसको करने के लिए आपको, जैसे कि मार्केट में कन्वेंशनली 1500-1600 रुपए के AHO के स्विचेस आ रहे हैं, जो कि वायरिंग में कनेक्ट हो जाते हैं और उसका मॉड्यूल जो है वो गाड़ी के साथ अर्थ कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वो वर्क करते हैं। तो देखिए जी, मैं इतने पैसे खर्च करने के मूड में बिल्कुल नहीं होता हूँ। तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जुगाड़ है मेरे पास। आपको खर्चा क्या करना है? आपको चाहिए एक ये वायर H4 फीमेल, जो कि अगेन यूनो मिंडा की ही है। मैं दिखाता हूँ आपको खोल करके, इसकी कॉस्ट भी दिखा देता हूँ आपको। इसकी कॉस्ट है मात्र 56 रुपये, 56 रुपीज़। तो ये कौन सी वायर है ये आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, तो ये यूनो मिंडा की वायर है जो कि आपके हेडलैम्प में लगती है। दूसरी चीज़, आपको एक और ऐसा ही वायर चाहिए, ये भी यूनो मिंडा का ही है। इसकी कॉस्ट भी अगेन 50 रुपीज़ है। तो एक आपको ये चाहिए जिसमें कि ये फीमेल्स हों, यानी कि इट गोज समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, कपलर टू कपलर फिटिंग हो गई। अब आखिरी चीज़ जो आपको चाहिए, वो आपको चाहिए ये स्विच अगेन, विच इज़ अगेन अ यूनो मिंडा स्विच दैट यू कैन सी हियर। और इसकी भी कॉस्टिंग आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये वो स्विच है जो आपकी गाड़ी के हैंडल बार पे लग जाएगा। बहुत ही सिंपली, कुछ भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, वेरी सिंपली दिस विल बी ऑन योर हैंडल बार। एंड अगेन, अगर मैं इस स्विच की कॉस्ट की बात करूं तो दिस इज़ अगेन 65 रुपीज़। इसकी कॉस्टिंग 65 ज़रूर है, लेकिन ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। ये वायरिंग जो है, इसकी भी कॉस्ट 56 रुपीज़ है, ये भी 50 रुपीज़ का मिला है। और ये जो है, ये 30 रुपीज़ का है, यानी कि 130 रुपये इज़ द टोटल एक्सपेंस दैट यू नीड टू डू टू मेक योर स्विच योर वे। आपको कोई भी एक्सपेंसिव स्विचेस 1500-1800-2000 रुपए के लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके पीछे दूसरा रीज़न है कि मैं क्यों उन स्विचेस के अगेंस्ट हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि वो स्विच जो होता है आपके गाड़ी के मॉड्यूल में कनेक्ट होता है, उसकी अर्थिंग भी आपकी गाड़ी से ही होती है। तो इन केस की अगर आपकी उस मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे आप, क्योंकि वो आपकी गाड़ी से अर्थ किया हुआ स्विच है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आपको फ्यूचर में जा करके। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सर, प्रॉब्लम तो इसमें भी आ सकती है। तो सर, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये कपलर ऐसे लगा है, मैं सिर्फ ये कपलर ऐसे करके एज इट इज़ निकाल दूंगा और ये गाड़ी एज इट इज़ स्टॉक हो जाएगी। तो आइए अब दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर पूरी कार्यवाही। सो गाइज, इसके लिए आपको करना ये है, ये वाले दो पहले तो आप बोल्ट्स खोल लीजिए। ये देखिए, बोल्ट नंबर 1। नाउ आई हैव टू ओपन दिस बोल्ट नंबर 2। ये देखिए, ये बोल्ट्स मैंने खोल लिए। इनको बहुत प्यार से आप कहीं पे रख दीजिए, जिससे कि इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
उसके बाद गाइस आपको करना सिर्फ ये है, यहाँ से इस हेडलाइट को ऐसे करके बाहर निकालिए और इसको ऐसे नीचे से बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद ये है वो कपलर जो आपको निकाल लेना है, दैट्स इट। अब अगर आप जो मार्केट में कन्वेंशनली AHOs अवेलेबल हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा हुड खोलना है, इस पूरे हुड को खोलना है, इस हुड के अंदर वायरिंग करनी है, इस हुड के अंदर कपलर जोड़ने हैं, फिर यहाँ पे भी जाके गाड़ी में अर्थिंग करनी है, तो जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्योर वर्क है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें आपको नुकसान नहीं होगा इस बात का अश्योरेंस मैं दे सकता हूँ। तो आइए, अब आपको करना क्या है, अब आपको करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ये आपका कपलर, एज सिंपल एज दैट। इसके तीनों वायर्स को पील कर लीजिए। देखिए मेरे पास तो पीलर है तो मैं पीलर से पील कर लेता हूँ। ये देखिए आपने ये तीनों वायर्स इसमें से पील कर लिए। आपको करना कुछ नहीं है, ये कपलर लीजिए और इस वायरिंग के अंदर एज इट इज़ फिट कर दीजिए। कपलर टू कपलर फिटिंग हो गई। आपने रॉयल एनफील्ड की वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कोई भी वायर को कट नहीं किया है। अब समझिए, इसके अंदर तीन फिलामेंट्स होते हैं और ये तीन वायर्स हैं उन तीन फिलामेंट्स के लिए। इसमें से एक अर्थ होता है यानी कि ये, और ये दो जो वायर्स होते हैं ये होते हैं आपके फिलामेंट्स के। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो मैं अभी आपको सिर्फ एक ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक वायर लगा दी। ये गाइस ऐसे बिल्कुल नहीं लगानी है, ये सिर्फ मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ जस्ट कि आपको पता चल जाए कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। ये एक वायर लग गई और ये लग गई मेरी दूसरी वायर, ठीक है। अब अगर मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए, अब अगर मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए गाड़ी में कोई भी हेडलाइट नहीं जलेगी, सिर्फ DRL जलेगी। ये देखिए किसी भी हाई लो में, ये देखिए आप देख रहे हैं कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है, सिर्फ हाई लो जल रही है। लेकिन अगर मैं इस थर्ड वायर को यहाँ पे टच कर दूंगा तो ये देखिए लाइट जल जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने टेस्टिंग कर ली इस चीज़ की, अब आप इसको यहाँ से वापस निकाल लीजिए गाइस। आपको इसमें अब और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द वायर जिसके साथ हम खेलेंगे, और ये दो वायर्स हैं जिनके साथ हमें कोई भी ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब करते हैं कुछ मज़ेदार बात। ये विवेक जो है मुझे हंसाया जा रहा है बहुत देर से, तो कोशिश करते हैं कि ना हंसे क्योंकि इसका तो काम ही है परेशान करना। तो गाइज ये देखिए तार हमेशा लंबे एक्स्ट्रा दिए होते हैं, इनको आप ऐसे करके काट दीजिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप तार ऐसे करके काट दीजिए। ये रही वो ब्लैक वायर, इसको अलग कर लीजिए, ये ब्लू और ये येलो। ये लीजिए सर, ये तीन वायर आपके अलग हो गए। सो गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर वो स्लीव जो इसके ऊपर इनिशियली चढ़ी हुई आई थी वो मैंने वापस चढ़ा दी है। थोड़ी सी आगे बढ़ा देता हूँ जिससे आपको देखने में समस्या ना हो। तो येलो वाली है साइड वायर, तो ये देखिए ये साइड वायर में हम जोड़ देंगे ये वाली हो गई बीच वाली, और ये ब्लैक वाली हो गई ब्लैक वाली, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर मैं जोड़ देता हूँ ये ब्लू वाली वायर। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ये देखिए, आपको ऐसे समझाता हूँ मैं, ये देखिए ये तीन वायर हैं, ये दो वायर जहाँ भी लगे हैं, अब ये दो वायर एक आ रहा है इस ब्लू में, यहाँ से ये ब्लू आ रहा है जो कि यहाँ पे साइड में इस येल्लो में कनेक्टेड है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस येल्लो में इस वायर को इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू।
ये देखिए ये वायर कनेक्ट हो गई। उसके बाद ये बीच वाली वाइट है, ये बीच वाली वाइट जो है इस ब्लू से मैंने कनेक्ट कर दी। ये भी हो गई। अब सबसे पहले इन वायर्स को थोड़ा सा टेप कर देता हूँ, जैसे कि कोई भी शॉर्टिंग या कुछ भी होने की समस्या ना रहे। तो अब आप ये देख सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। जो आप लोग को कन्वेंशनली मार्केट्स में दिखाया जाता है कि ये 1500 रुपए की, ये 2000 रुपए की, तो एक्चुअली इन सब चीज़ों से आपका सिर्फ हार्ड अर्न मनी स्पेंड हो रहा है, बेनिफिट कुछ भी नहीं है। बेनिफिट इसी 130 रुपए में मिल जाएगा आपको। ये देखिए जी, आपने यहाँ पे इस वायर को अच्छे से लपेट दिया है, अब ये अच्छे से सील हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। ये देखिए, अब ये वायर सील हो गया। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे वायर पे, जो कि है ये रेड एंड ब्लू। अब मैं इसको टाइटन कर देता हूँ पहले। और गाइज ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आपके शॉप के जो आपके एरिया में लोकल शॉप्स हैं ना, आप सिर्फ उन पे जाइए, ये प्रोडक्ट्स आपको इतनी ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की तरफ देखने की भी, ओहो थोड़ा सा शायद मेरे हाथ में कहीं वायर लग गई है छोटी सी, तो थोड़ा सा कट भी गया है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग के लिए ये भी सही। तो ये देखिए गाइस, अब ये मेरा कनेक्टर रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे गाइस ये करना है, ये वही वायरिंग है, इसके ऊपर लाया, ये देखिए प्लग एंड प्ले, देन अगेन प्लग, वायर लग चुका है। अब एक बार पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, DRL रिंग जलेगी, लेकिन ना तो हाई बीम, ना लो बीम, ना फिर इसमें कोई भी अदर इंडिकेटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सो दैट मीन्स मेरी वायरिंग परफेक्ट हो गई है। अब क्या करना है हमको, अब सबसे आसान काम करना है इसका, अब आना है इस स्विच के पास। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें भी, इट इज़ एन इक्वली ईजी वर्क। यहाँ से स्विच को काटिए, यहाँ से स्विच के इस पैनल को काट दीजिए, थोड़ा सा स्विच को, थोड़ा सा इसके तार को छील लीजिए, ये देखिए, एंड सिमिलरली एक तार आप इधर छील लीजिए। अब इस स्विच को कनेक्ट करने से पहले आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस स्विच को इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा स्क्रू ड्राइवर निकाल लेता हूँ और इस स्विच को इंस्टॉल कर लेता हूँ, जिससे बाद में स्विच के इंस्टॉलेशन को लेकर के कोई इश्यूज ना रहें। तो ये देखिए, इसको इंस्टॉल करना उतना ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए इसके पीछे दो बोल्ट्स हैं, बोल्ट को खोला मैंने, ये स्विच को निकाला। अब नाउ वेर एवर आई वॉन्ट, सो मेरे हिसाब से जो सबसे कन्वीनियंट जगह है स्विच को लगाने की या स्विच पैनल को लगाने की, वो मुझे लगता है ये है, दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस टू इंस्टॉल द स्विच। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए आप इस तरह ले जाइए एंड ये स्विच को यहाँ पे डायरेक्टली पहले तो इंस्टॉल कर दीजिए। तो अब मैं सबसे पहले स्विच को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसके लिए आप पहले स्विच को घुमा लीजिए और इसके बाद इसमें इस बोल्ट को लगा के थोड़ा सा आप होल्ड कर दीजिए पहले।
ये लीजिए। अब इसके बाद आप इस स्विच को अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप नीचे से इसको टाइट कर दीजिए। अब आपको सिर्फ इस स्विच को टाइट करना है एंड उसके बाद ये बिल्कुल यहीं पे एज इट इज़ हमेशा के लिए रख जाएगा। So there it is, the switch is here, on off, this will functionally. अब आपको क्या करना है, बिल्कुल easily आपको यहाँ से इस वायर को निकालना है और इसको अपनी हेडलाइट के अंदर ले जाना है। हेडलाइट के अंदर ले जाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स दिए हैं, किस एक मिनट के यहाँ से थोड़ा सा अंदर से निकाल देता हूँ, बेहतर लगेगा देखते में भी एंड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। सो गाइस ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि स्विच को मैं अंदर ले आया हूँ। अब मैं इसको सिर्फ यहाँ से अंदर ले लूँगा, दैट्स इट। दैट इज इट। अब आपको एक ड्राई रन करवा देता हूँ, उसके बाद फाइनली स्विच को क्लोज कर दूँगा। तो गाइस ये हैं दोनों वायर्स, एक वायर मैं इसमें कस देता हूँ, हालांकि आई नो दिस इज़ 100% सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, बट आपको दिखाना चाह रहा था तो इसलिए इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके वायर्स को जोड़ दिया है। अब अभी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, जस्ट टू शो यू। अभी मैं इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लाइट नहीं जली, स्विच ऑन कर दिया, लाइट जलनी शुरू हो गई। जैसे ही मैंने स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गई। अब इसको टेप कर देते हैं वापस, जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके के डैमेज होने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो सबसे पहले इसको टेप करते हैं। अब करंट लीक की कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको, क्योंकि पहली चीज़ तो आपने इसके ऊपर जो है प्रॉपर टेपिंग कर दी है। टेपिंग करने के बाद दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके कनेक्शंस कितने हार्ड हैं। कनेक्शंस तो हार्ड ही हैं। उसके बाद मैंने एक जो चीज़ इसमें और ऐड कर दी है वो ये है कि मैंने जो इस स्विच की बाई डिफ़ॉल्ट स्लीव थी वो काटी नहीं है, यानी कि अब ये तीनों स्विच मैं एज इट इज़ बंद करके इसके ऊपर से स्लीव लगा दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, अब इसके ऊपर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये देखिए इसकी स्लीव आ गई है। तो अब ये जो स्लीव आ जाती है तो इसकी वजह से ना इसको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है और ये डैमेज नहीं होगी। अब आइए अब आखिरी कनेक्शन इसमें कर देते हैं। तो
सो गाइस ये AHO स्विच कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको प्यार से इसके अंदर वापस रख देना है। वापस रखने के बाद आपको सिर्फ इसको एज इट इज़ क्लोज करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहला बोल्ट इधर आपकी मिट्योर में लगा दिया है। ये देखिए हाथ से, और अब ऐसे ही मैं इधर दूसरा स्विच भी दूसरा बोल्ट भी टाइट कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं इसको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए मैंने इधर टाइट कर दिया है इसको। सिमिलरली ये बोल्ट इधर भी टाइट हो चुका है। तो आइए अब फाइनली एक बार और आपको चेक करवाता हूं मैं। ये देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट ऑन की, आप देख सकते हैं DRL रिंग प्रॉपर जल रही है, लेकिन आपकी हेडलाइट नहीं जलेगी, ना ही ये हेडलाइट आपको तंग करेगी। मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, हेडलाइट भी जलेगी और अपर डिपर सारे स्विचेस काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेडलाइट ऑफ कर दी, यहाँ पे हेडलाइट ऑफ हो जाएगी। अब ना तो इसमें पास जलेगा ना कोई भी स्विच काम करेगा। और दिस इज़ अ कम्प्लीटली वर्केबल मॉडल फॉर मीटियोर 350। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइज 1500, 1800, 2000 रुपए के AHO यूनिट्स को लेने की। सिर्फ ये छोटे से एक स्विच और ये दो कपलर्स लाइए, हैंड टू हैंड ये वायरिंग अपने घर में लगा सकते हैं। और अगर कभी आपको ये वायरिंग रेगुलर करनी है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हेडलाइट का कपलर निकालिए। जो मैंने हेडलाइट के कपलर में कपलर निकाला था उसको निकालिए, वापस हेडलाइट में फिट कीजिए एंड दैट्स इट। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइज प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फोर व्लॉग्स से रिलेटेड अगर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे हर तरीके की सपोर्ट करने की। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।